हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर डॉल बैक मेडलिन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देखिए, ये मैंने ब्लाउज कट कर लिया और ये मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है इसमें लगाने के लिए, और मैं आपको इसका सेट लगा देती हूँ। देखिए, इसकी जो लंबाई ली हमने 16.5 इंच ली है, तैयार में ये 15 इंच आएगा। 1.5 इंच हमने नीचे मार्जिन लिया इसमें, और देखिए ये हम 40 साइज का बना रहे हैं तो 10 इंच ले लिया हमने, और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। इस तरह में एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, शोल्डर में 6 इंच ली है, मोटी भी हमें 6 इंच ली है, और इसमें हमने 1.5 इंच की गुलाई दे दी है। देखिए, शोल्डर से 3 इंच में निशान लगा लेते हैं, और इस तरह हम 10 इंच तक एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, इसमें हम मटका शेप का डिजाइन देंगे। देखिए, इस तरह सेम कप हम इसे कट करेंगे। देखिए, इस तरह, देखिए इस तरह, देखिए खोलने के बाद इस तरह का रुका रहे हैं। देखिए, हम इसमें फ्रिल लगाएंगे, तो फ्रिल के लिए ये कपड़ा लिया हमने, इसे हम फ्रिल लगाएंगे इसमें। देखिए, ये हमारी लंबी सी पट्टी है, ये डबल फोल्ड है, हम इसे एक बार और फोल्ड कर लेते हैं इस तरह। अब जो उसकी चौड़ाई लेंगे वो हम 3 इंच लेंगे। देखिए, 3 इंच हम निशान लगा लेते हैं, सेम 3 इंच पे कट कर देते हैं। देखिए, इस तरह, देखिए इस तरह हमारी काफी लंबी पट्टी है, और इसे हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में फ्रिल लगाएंगे इस तरह। और देखिए, जो हमारा नेक निकला था इसकी हम नेक पट्टी और कैनवास कट करेंगे। देखिए, कैनवास में डबल फोल्ड कर ली, और जो हमारा ड्राफ्ट निकला था इसे मैंने इसको पकड़ लिया है, सेम ड्राफ्ट पे हम कट करेंगे इसे। देखिए, इस तरह में कट कर लिया है, इसकी चौड़ाई लेंगे हम 1 इंच लेंगे। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया है, अब हम इसके लिए नेक पट्टी कट करेंगे। नेक पट्टी की चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे। देखिए, मैंने नेक पट्टी भी कट कर ली है, कैनवास भी हमने कट कर लिया है, और देखिए मैं आपको इसका सिलने का मेथड बताती हूँ। देखिए, नीचे मैंने नेक पट्टी रखी, ऊपर मैंने कैनवास रखी है, और जिसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इस तरह फोल्ड करेंगे पुल डाउन में हम। देखिए, इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। देखिए, मैंने ब्लाउज सीधा रखा है, इसके ऊपर मैंने नेक पट्टी तैयार की थी, इस तरह हम इसे इसके ऊपर रखेंगे और पूरे राउंड में हम सिलाई लगाएंगे इसे। सिलाई लगा दी है, इस तरह फोल्ड करेंगे हम, और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देते हैं। देखिए, इस तरह मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा दी, यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और जो मैं पट्टी ली थी फ्रिल डालने के लिए, तो देखिए यहाँ से हम इस तरह रखेंगे, इस तरह डालेंगे इसमें। पूरे राउंड में लगा दूंगी। देखिए, इस तरह मैंने पूरे फ्रिल डाल दिए, अब हम नीचे फिनिशिंग और प्लेट डालेंगे। देखिए, इस तरह मैंने डबल फोल्ड कर लिया, और इस तरह हम 3.5 इंच में निशान लगा लेते हैं। देखिए, इस तरह 4.5 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। इसी तरह मैं दूसरी साइड निशान लगा लेती हूँ। देखिए, इस तरह फोल्ड करेंगे,
हाफ इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे। देखिए इस तरह मैंने दोनों प्लेट डाल दी है, अब हम नीचे फिनिशिंग देंगे इसमें। इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह नीचे फिनिशिंग दे दी हमने। अब देखिए जो पूरा नेक है इसमें हम लेस लगाएंगे। देखिए हमने गोल्डन कलर की लेस ली है और देखिए जो हमारा ये नेक आ रहा है इस तरह से। देखिए इस तरह में एक सिलाई लगा दी है, एक और सिलाई लगाएंगे। तो मैं डबल सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए नीचे मैंने फिनिशिंग दे दी है, प्लेट भी डालती हूँ दोनों। देखिए मैं लेस भी लगा दी है, स्टिच भी लगा दी है मैंने साइड में। देखिए देख सकते हैं फिटिंग के बाद कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से सुंदर से डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक।